The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आपको आपके इम्यून सिस्टम के बारे में क्या पता है? क्या आप जानते हैं कि इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन सा इम्यूनिटी आपका किस प्रकार के कीटाणु के खिलाफ एक्टिविटी ज़्यादा दिखाता है? अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो होनी चाहिए, और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं, इसीलिए ये सेशन बहुत ज़रूरी है। सो इम्यून रिस्पॉन्स को समझेंगे, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को समझेंगे, कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी आपके लिए ज़्यादा अच्छी है उसको आज हम समझेंगे, और आप कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं ये भी बात को ज़रा हम टच करेंगे। ये ना सिर्फ आज इस कोरोना के वायरस के खिलाफ बल्कि दुनिया के हर वायरस के खिलाफ आपको काम आएगा। सो इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? वो मतलब आपका शरीर, आपकी बॉडी किसी बाहरी ताकत को, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, किसी भी फॉरेन या हार्मफुल चीज को कैसे रिकग्नाइज करे, पहचाने और कैसे अपने शरीर को डिफेंड करे, वो चीज को हम कहते हैं इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स जो आपका शरीर करता है। सो इम्यून सिस्टम है आपके पूरे बॉडी के अंदर जो हर हार्मफुल सब्सटेंस से आपको बचाता है। और फिलहाल इम्यून सिस्टम को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एंटीजन का, कि एंटीजन क्या है। एंटीजन मतलब एक छोटे छोटे प्रोटीन है, प्रोटीन है एंटीजन, जो बेसिकली जो भी बाहर से आने वाला सब्सटेंस होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, उनके सरफेस पे होता है। सो एंटीजन इज ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स ऑफ द वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, व्हाटएवर, राइट। और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, जो वो भी एंटीजन जैसे काम कर सकते हैं। टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, वो भी एंटीजन के जैसे काम कर सकते हैं, ये भी एंटीजन है। एंटीजन वो चीज हो गई जो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है, दैट्स इट, ठीक। सो ये सब चीजों के ऊपर अलग अलग तरह के एंटीजन्स होते हैं, और इम्यून रिस्पॉन्स इन्हीं चीजों को रिकग्नाइज करता है और डिस्ट्रॉय करता है और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है ऐसे एंटीजन से जो कि इन सब चीजों से मिलते हैं। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के सेल के ऊपर प्रोटीन होते हैं, जो भी एंटीजन्स के, वो भी एंटीजन होते हैं। तो हर एक सरफेस के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर एंटीजन होता है, याद रखिए, ठीक है। और ये एक एंटीजन मतलब उसके ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन, क्योंकि हर चीज दुनिया भर की, आप भी, सेल भी, हर चीज प्रोटीन से बनी है। तो एंटीजन इज बेसिकली अ प्रोटीन। आपके हर एक बॉडी के सेल के ऊपर एक HLA एंटीजन, HLA प्रोटीन है, HLA नाम दिया गया है, राइट। और योर इम्यून सिस्टम लर्न्स टू सी दीज एंटीजन्स, कि ये नॉर्मल है या ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल एंड नॉर्मल एंटीजन, बात खत्म, एंटीजन समझ गया। अब समझते हैं तीन प्रकार की इम्यूनिटी। नंबर वन इज योर इननेट इम्यूनिटी। इननेट मतलब नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो बचपन से आपके पास है, जब से आप पैदे हुए तब से इम्यूनिटी है। इननेट, नॉन स्पेसिफिक, बचपन से इम्यूनिटी, उसका मतलब क्या? ये हर प्रकार के एंटीजन, हर प्रकार के फॉरेन बॉडी से आपको प्रोटेक्ट करेगी, चाहे वो कैसी भी। ये बैरियर है, जैसे आपकी चमड़ी, यह चमड़ी एक बैरियर है जो अंदर चीजों को नहीं जाने दे रही है, राइट। वो इननेट इम्यूनिटी में आता है, ये बैरियर फॉर्म, फर्स्ट लाइन डिफेंस है आपका इम्यून सिस्टम का। उसमें एक और एग्जांपल है आपका, एक स्किन हो गया, एक आता है आपका म्यूकस, आपके गले में, आपके आपके मुंह के अंदर जो म्यूकस आता है, जो सलाइवा आता है, उसका एक काम डिफेंस भी है कि उसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो फॉरेन ऑब्जेक्ट, बैक्टीरिया, वायरस को मार सकते हैं। कफ रिफ्लेक्स, जब भी आपकी सांस की नली में कुछ जाने लगता है तो आपको खांसी आ जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एक कफ रिफ्लेक्स है वहां पर, कि एकदम वहां कुछ जाने लगा तो खांसी आ जाए, आप वो उसको बाहर पुश कर दो। ये इननेट इम्यूनिटी है। आपकी आंखों में, आपके स्किन में भी ऐसे एंजाइम्स हैं, आंखों के, आपके आंखों के जो
आंसू हैं, आंसुओं में एंजाइम है जो बैक्टीरियाज को या उसको क्लीन कर सकते हैं, मार सकते हैं। स्किन के ऑयल्स में एंजाइम्स हैं जो मार सकते हैं। स्टमक के एसिड है जो एसिड मार सकता है बैक्टीरिया वायरस को। इसलिए जब आप खाना खाते हैं ज्यादातर बैक्टीरिया वायरसेस मर जाते हैं, राइट। सो ये सब आपकी इननेट इम्यूनिटी है, ये बेसिक इम्यूनिटी है, ये हर चीज के खिलाफ काम करती है। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो इनसे बच जाती हैं, कुछ ऐसे दुनिया में वायरस बैक्टीरिया जरूर हैं जो बच जाते हैं। इननेट इम्यूनिटी ये भी एक केमिकल प्रोटीन फॉर्म में भी आती है जिसको हम इननेट ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। मैं तो हो गया, एक फिजिकल बैरियर बता दिया, एक केमिकल इननेट इम्यूनिटी। केमिकल इननेट इम्यूनिटी का मतलब है बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है जो के जिसको हम और वो एक सब्सटेंसेस कुछ प्रकार की चीजें बनाते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिंस। ये वो चीजें हैं जो आपके शरीर में बुखार पैदा करती हैं। ये बुखार पैदा करने वाले इंटरल्यूकिन 1 इंटरफेरॉन, ये बुखार जो पैदा करती हैं बॉडी के अंदर, ये बुखार से बॉडी गर्म होती है और बैक्टीरिया वायरसेस मर जाते हैं, राइट। लेकिन इसका रिस्पॉन्स मॉनिटर करना होता है, बिल्कुल जैसे आपको जब कुछ खाना पका रहे होते हैं तो उसकी आँच को मॉनिटर करना होता है। ज़्यादा आँच हो जाए तो खाना जल जाता है, कम आँच हो जाए तो पकेगा नहीं। सेम वे अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो शरीर को डैमेज हो जाएगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्माहट में हमें फीवर मैनेज करना होता है। फीवर मैनेज करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन देनी पड़ती है, ठीक है। फीवर को खत्म नहीं करना होता, मैनेज करना होता है उसको। मैनेज फीवर के ऊपर एक अलग से वीडियो, अगर वो नहीं देखा तो जरूर देखना, फीवर बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करके। सो ये हुई इननेट इम्यूनिटी, जो जिसमें हमारा फिजिकल बैरियर है, केमिकल बैरियर है, इंटरल्यूकिंस है, इंटरफेरॉन्स है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, राइट। तो ये अगर कोई एंटीजन, बाहरी एंटीजन, बाहर का कोई फॉरेन बॉडी, बैक्टीरिया वायरस, उसके ऊपर जो एंटीजन है वो इस बैरियर से क्रॉस करके अंदर आ जाता है तो फिर दूसरी प्रकार की इम्यून सिस्टम हमारी प्ले में आती है। कौन सी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी तब बनती है जब कोई बैक्टीरिया वायरस एंटीजन इसके अंदर घुस जाता है, जैसे कोरोना वायरस, फ्लू वायरस, निपा वायरस, ऐसा वैसा कोई भी वायरस। तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आपके अंदर चला जाता है इस बैक्टीरिया को, इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को तोड़ के, बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करने लगता है। और बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी बॉडी क्या करती है, उसके रिस्पॉन्स में फीवर पैदा करती है, न्यूट्रोफिल्स, टी सेल्स, किलर टी सेल्स को वहां पे छोड़ता है। और वो कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो जो इन्फेक्शन होने के बाद अब उस बैक्टीरिया या उस वायरस के खिलाफ आपने इम्यूनिटी डेवलप करी, राइट। वो पहले से नहीं है, बचपन से नहीं है आपके साथ। तो जैसे कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद अगली बार कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होगा तो आप उससे इम्यून होगे कुछ हद तक। मतलब ऐसा तो नहीं कि हो ही नहीं सकता, यू विल बी बेटर ऑफ, यू वॉन्ट बी हैविंग सो मच ऑफ अ सीवियर इन्फेक्शन सेकेंड टाइम, ओके। पैसिव इम्यूनिटी भी होती है, थर्ड टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज अ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब दीज आर ड्यू टू एंटीबॉडीज। नाउ हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाई जाती है, वो एंटीबॉडी क्या है उससे पहले हमें, पैसिव इम्यूनिटी क्या है उससे पहले हमें थोड़े ब्लड कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी काम करते हैं। सो इम्यून सिस्टम के अंदर वाइट ब्लड सेल्स आपके WBCs काम करते हैं और ये ब्लड के अंदर केमिकल्स, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे प्रोटीन्स, केमिकल्स और भी हैं जो ब्लड में इम्यून सिस्टम के लिए काम करते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट, इंटरफेरॉन मैंने ऑलरेडी बताया, राइट। जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन बैक्टीरिया वायरस इससे डायरेक्टली अटैक करता है तो ये सारे सेल्स एक साथ काम करते हैं। इसमें WBCs, लिम्फोसाइट्स आपके मेन जो सैनिक हैं, उसमें दो प्रकार के हैं, बी फॉर बॉल, टी फॉर टाइगर। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली जाके अटैक करते हैं इन एंटीजन्स पे, मतलब बैक्टीरिया वायरसेस के ऊपर डायरेक्ट अटैच करके अटैक करते हैं, डायरेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। और ये टी लिम्फोसाइट्स कंट्रोल करते हैं बाकी सारे इम्यून रिस्पॉन्स को कि भाई कितना केमिकल, कितना इंटरफेरॉन, कितना साइटोकाइंस, कितना रिस्पॉन्स देना है। अगर ये ज़्यादा रिस्पॉन्स दे दें तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है बॉडी और डैमेज होने लगता है, साइटोकॉन स्टॉर्म आने लग जाते हैं, जैसा कि कोरोना वायरस के केस में होता है। सो कोरोना वायरस या कोई एक कुछ टाइप के वायरस इन टी लिम्फोसाइट्स को डायरेक्ट इन्फेक्ट कर सकते हैं और धुआंधार तरीके से वहां कोहराम मचा सकते हैं। तो उसका मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में बताया है, वो आएगा। बी लिम्फोसाइट्स क्या है? बी लिम्फोसाइट, जब ये टी लिम्फोसाइट्स उस फॉरेन सब्सटेंस को मार देते हैं, बैक्टीरिया वायरस को, तो वो बी लिम्फोसाइट्स को देते हैं कि भैया ये जो है ना, इसके ऊपर का एंटीजन देख लो, ये क्या है क्या नहीं है,
इसकी पहचान बनाओ, अगली बार जब आएगा तो इसको मारने में हमें आसानी होनी चाहिए। तो बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेते हैं। एंटीबॉडी समथिंग लाइक अ सीजर, वाई शेप का होता है, वाई शेप एंटीबॉडी। जब भी उसको एंटीजन दिखता है, मतलब ये वाला, वो उंगली नहीं, ऐसे करके वो एंटीजन उससे एंटीबॉडी अटैच होता है, फाड़ से उसको फोड़ देता है। मतलब बी लिम्फोसाइट बनाते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी अटैच टू दी स्पेसिफिक एंटीजन और इम्यून रिस्पॉन्स उसको एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी। सो ये बी लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी का, राइट। और जैसे जैसे लिम्फोसाइट्स डेवलप होते रहते हैं, नॉर्मली ये लर्न करते रहते हैं आपकी बॉडी में कि भाई ये कैस किस किस प्रकार के आ रहे हैं आपके अंदर जीव जंतु, किस प्रकार के एंटीजन की जरूरत पड़, एंटीबॉडी की जरूरत पड़ रही है, उसकी मेमोरी रखने लग जाते हैं। तो मेमोरी सेल्स भी होते हैं बी लिम्फोसाइट से। सो मेमोरी रख लेने में क्या होता है, अगर 10 साल बाद भी कोई आया आपके अंदर वही वाला वायरस, तो 10 साल बाद भी आप फट से उसकी एंटीबॉडी घपा घप बना लोगे, इंस्टेड कि वो पहले आपके टी लिम्फोसाइट जाके लड़े और फिर पहचाने अरे ये तो वो था, पहले से आपको पता है वो क्या है। सो दैट इज कॉल्ड दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं कि इननेट हो गया, एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। अब पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज जो आपकी बॉडी में बनते हैं, आपको आगे चल के जो इम्यूनिटी हो जाती है वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। अब पैसिव का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर एंटीबॉडी है नहीं, आपके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं है, मतलब अभी तक कोई बैक्टीरिया आया नहीं, लेकिन हम डायरेक्ट आपके अंदर एंटीबॉडी या तो डाल दें या पैदा करवा दें, ये वाली एंटीबॉडी, उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। पैसिव मतलब एक्टिवली आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको लड़ना नहीं पड़ा, लेकिन आपको पता चल गया इनसे कैसे लड़ना है, राइट। दैट्स हाउ इट इज। सो पैसिव इम्यूनिटी इज बाय वैक्सीनेशन। आप वैक्सीनेशन करवाते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस फंगस का एक एंटीजन या उसका एक ऐसा फैक्टर डालते हैं जिससे कि एंटीबॉडी आपके शरीर में बनने लग जाते हैं। सो एंटीबॉडी बन जाते हैं आपके शरीर में, वो कुछ टाइम तक रहते हैं, 6 महीने 8 महीने तक, वो डिपेंडिंग अपॉन उसका। फिर बूस्टर डोज देते हैं, जैसे टिटेनस है, टिटेनस में आपको इंजेक्शन लगा लेते हैं, वो 6 महीने चलता है, 6 महीने के बाद आपको फिर लगाना पड़ता है, तो आपके अंदर एंटीबॉडी बन जाते हैं। उसके बाद अगर टिटेनस वाला आपके अंदर स्पोर्स आ गए तो वो टिटनस स्पोर्स या उसका टॉक्साइड भी आपको हार्म नहीं कर पाएगा, इसलिए टीटी का इंजेक्शन लगा जाता है, क्योंकि उस चीज का कोई इलाज नहीं, राइट। सो ये हुई पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी इम्यूनाइजेशन से आती है, वो इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनाइजेशन से भी एक माइनर डिग्री का इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो सकता है, लेकिन वो आपका इम्यूनिटी डेवलप करता है। स्मॉल डोजेस ऑफ एंटीजन, डेड एंटीजन या वीक एंड वेरी वीक वीक लाइव एंटीजन आपके अंदर डालते हैं, उससे ये मेमोरी सेल्स, बी सेल्स सेंसिटाइज हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा फ्यूचर के लिए तैयार हो जाती है। अब अगर इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई, उसका मतलब क्या, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो सकते हैं। मतलब इम्यून सिस्टम, अगर एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं आपके, वो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। मतलब इम्यून सिस्टम अपने नॉर्मल चीजों के खिलाफ इम्यून रिएक्शन करने लग गए, साइटोकाइंस या इंटरफेरॉन्स, ऐसे फीवर, बिना किसी कारण के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी बाहरी और सब्सटेंस, बैक्टीरिया वायरस के इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है। जैसे कि बिल्कुल सिंपल, कोई वायरस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया कह रही है लॉकडाउन, या फिर कोई वॉर नहीं है लेकिन बम गोले गिराए जा रहे हैं आपके आसपास, फायरिंग हो रही है खुली। सो दैट इज एन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। एलर्जीज में भी ऐसा हो सकता है। एलर्जीज में छोटी सी एलर्जी आती है, वो इधर ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, एक जगह पे रिस्पॉन्स पैदा होने की जगह दूसरी जगह पे रिस्पॉन्स हो, एलर्जी में भी यही सारे इम्यून सिस्टम के सेल, साइटोकाइंस और ये एक्ट करते हैं, राइट। सो ऑल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स हुआ तो ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, जो मैंने ऑटो इम्यून डिजीज पे अलग से वीडियो बनाया है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। उसमें एलर्जीज, एनाफिलैक्सिस, यू नो, ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन, जितने ऑटो इम्यून डिजीज हैं वो सारे उसमें आते हैं। सो ये बेसिक हुआ इम्यूनिटी का, इम्यूनाइजेशन का। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर एक बार देख लीजिएगा, या फिर इम्यूनिटी बाय डॉक्टर एजुकेशन, इम्यून सिस्टम बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करिए, बहुत सारे वीडियोस हैं इसको अलग अलग एंगल से समझाने के लिए, एब्सोल्युटली वंडरफुल वीडियोस, प्लीज गो एंड वॉच। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर द वीडियो।